हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसन हमीद। आई एम कोरोना पॉजिटिव और इस वीडियो के ज़रिए अपनी खैरियत बताना चाहता हूँ अपने उन तमाम चाहने वालों को, वेल विशर्स हैं जिन्होंने कॉल्स किए, जिन्होंने मैसेजेस किए, जिन्होंने मेरी बीमारी का सुन के टेंशन ली, उन तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता चलूँ कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं या आपके अंदर ऐसी अलामत हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको लग रहा है कि आपको इस तरह की बीमारी है तो आप अपने आप को चेकअप करवाएँ, अपना टेस्ट करवाएँ और अपने आप को क्वारंटीन कर लें, अपने घर वालों से आइसोलेट कर लें और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं होता इस बीमारी में, जस्ट एक पैनिक है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो खबरें हैं, जो बार बार की एक सनसनी है, उसकी वजह से आप अपने डिप्रेशन ले लेते हैं और आप बिस्तर पर पड़ जाते हैं। तो जो लोग समझते हैं कि उनको इस बीमारी का सामना है, इनकी बॉडी के अंदर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, अपने आप को सबसे पहले आप क्वारंटीन कर लें, अच्छा फूड लें, अपने हिसाब पे काबू रखें और बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर ना लें, खाना अच्छा खाएं, अपनी मेडिसिन टाइम पे लें। सिंपल सी मेडिसिन है अपना, जो आप विटामिन सी है वो उसको आप नॉर्मल रखें, आपकी लाइफ में डेली की जो आप फ्रूट्स ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, ओरल इनटेक कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप बिल्कुल बैलेंस रखें, आपको कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं आपसे बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं होना इंशाल्लाह। इस वबा का हम मिलके मुकाबला करना है, अपने मुल्क को, अपने इस मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को इस पैनिक से बाहर लेके आना है। और आप अपना इंटेक अच्छा रखें, खाएं पिएं अच्छा, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को सिर्फ आइसोलेट करना है कुछ दिनों के लिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस वबा से हम बाहर आ जाएंगे। हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, हमने सूबाई गवर्नमेंट का, अपनी फेडरल गवर्नमेंट का, जितने भी SOPs हैं, जितने भी उनके अहकाम हैं, उनकी बचाव के लिए पूरी कोशिश करनी है। और सबसे पहले इंडिविजुअल ने अपने आप से आपने स्टार्ट लेना है, इसके बाद हम सोसाइटी की तरफ जाएंगे। अगर आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, आप अपने आप को अपनी फैमिली के साथ लेके आना चाहते हैं तो आपको कुछ दिन अपने आप को आइसोलेट करना होगा और इंशाल्लाह इसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं भी अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह एक दो दिन के बाद दोबारा अपना टेस्ट कराऊंगा, होपफुली आई विल बी नेगेटिव और मुझे कोई भी इस बीमारी से प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। आप लोग भी अपना ख्याल रखें और मेरी दुआ है कि आप लोग भी इस वबा का सामना ना करें और आप एक बार खैरियत रहें, अपनी सेहत को, आप सेहतमंद जिंदगी को इंजॉय करें। थैंक यू।